सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हाउ डू एक्साइटमेंट के आपने ब्रीफ के साथ उसके अच्छे के बाद काम करते हैं, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, हमेशा मोहित के साथ काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत सीरियसली अपने काम को लेते हैं, मज़े से काम करते हैं, और इस दफ़ा उन्होंने अपनी जो टैलेंट की हद है वो अपने डायरेक्शन में, अदाकारी में, हिदायतकारी में प्रूव कर दी है। आई थिंक सारे डायरेक्टर्स जब आप इनसे ये सवाल करेंगे तो वो यही कहेंगे कि मोहित ने सारे एक्टर्स में से उनकी जो सबसे बेस्ट पोटेंशियल है वो चुन चुन के निकाली है और वो आपको की नजर आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं कि ये चाइना में क्यों फिल्माई? ये आपको फिल्म देखिए पता चलता है। अच्छा, आप ये एक चीज़ और, आप बहुत सिलेक्टिव कामों में भी क्यों आते, बहुत सिलेक्टिव काम करती हैं, बहुत ज़्यादा और नहीं करती, तो क्या सकते रीज़न कम से कम ज़्यादा ज़्यादा नज़र आनी चाहिए ना? माशा नहीं 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 सुपर स्टार है कि आप तब से ले रहे हैं। हाँ, सिलेक्टिव हूँ क्योंकि मुझे काम तभी करना जब मैं जहन से दिल से सुकून में काम कर सकती हूँ, टेंशन में नहीं, मजबूरी में नहीं, कोई स्क्रिप्ट अच्छा लग रहा है लेकिन आई एम फीलिंग फोर्स, उस तरह का काम नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो काम है वो मेरी हॉबी है, वो मेरा पैशन exactly. है, तो उसको हमेशा प्यार से करना चाहती हूँ। मूवी में बहुत सारे सॉन्ग थे, आपका फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सच्ची हो, मजा ये जो अभी चल रहा है इश्क आया रे, और एक है जो सारा लॉरेंस में पिक्चराइज की गई है जिसका नाम काश है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।